भारतीय बैंकों का पैसा लेकर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर अब गवाह को फोन करके जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में भारतीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुई क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने यह आरोप लगाया है। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कोर्ट में कहा कि नीरव मोदी ने गवाहों को धमकाते हुए एक गवाह को जान से मारने की धमकी भी दी। क्राउन सर्विस ने पीएनबी घोटाला केस के गवाह आशीष लड के फोन कॉल डिटेल्स के जरिए यह खुलासा किया है। साथ ही भारतीय एजेंसियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि नीरव भारतीय एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा और वो जमानत मिलने पर ब्रिटेन से भाग भी सकता है। साथ ही भारतीय एजेंसियों के वकील ने कहा कि नीरव मोदी सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकता है। भारत का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नीरव मोदी मामले में अब अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी और इस बार नीरव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश होगा। इससे पहले 20 मार्च को भी कोर्ट ने नीरव को बेल देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि पिछले साल जनवरी में पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ था। इससे पहले ही नीरव मोदी विदेश भाग गया था। इस साल 9 मार्च को उसका एक वीडियो सामने आया था और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बताया गया कि नीरव लंदन में रहकर हीरे का बिजनेस कर रहा है, जिसके बाद लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और भारत की अपील पर 19 मार्च को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। असामान्य है मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस में जमानत दूसरी बार भी नहीं मिलना, जो कि नीरव मोदी के साथ हुआ। लेकिन असामान्य है कि विटनेस टैम्परिंग की जाए, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जाए, और ये बड़ी वजह रही नीरव मोदी को जमानत नहीं दिए जाने की। अब अगली तारीख है 26 अप्रैल, जब रिमांड हियरिंग होगी और यहाँ एक्सट्रेडिशन हियरिंग की शुरुआत, केस मैनेजमेंट की शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता होगी। लेकिन नीरव मोदी के पास अब एक जरिया है हाईकोर्ट, जहां पर की बेल हियरिंग की जा सकती है, जहां पे बेल एप्लीकेशन दी जा सकती है अगले 14 दिनों के अंदर। लेकिन तब तक नीरव मोदी वांड्सवर्थ जेल लंदन में।